की हाई हिल्स। बेचारी रूपा, शॉर्ट हाइट तो थी ही, ऊपर से पति मिला वो भी 6 फुट का। क्या रूपा, शादी को 30 साल हो गए लेकिन कभी तुम्हें ये हाई हिल्स के बिना नहीं देखा। क्या करोगे देखकर बिना हिल्स के, छोटी हाइट है ना इसलिए ऐसा बोल रहे हो। मैंने कहा तुम्हें कहा कि तुम्हें भी तो मैंने घुटने के बल नहीं देखा। वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी हाई हिल्स के कारण कभी मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि तुम शॉर्ट हाइटेड हो। हाँ भाई, तभी तो जान जाए लेकिन हिल्स ना जाए। अच्छा, वो कल ना हमें बहू देखने चलना है बेटे के लिए, तो सारी तैयारियां कर लेना। और हाँ, देख लेना कि बहू की हाइट ठीक हो तभी यहाँ करना, पता चला कि उस बेचारी को भी सारी जिंदगी हिल्स डालनी पड़ जाए। अरे बस भी करो, ऐसा भी नहीं है, उसके लिए तो मैं लंबी लड़की ही देखूंगी। बेटे के साथ माँ बाप दोनों लड़की देखने जाते हैं, लेकिन ये क्या, लड़की की हाइट भी काफी होती है। माँ, ये लड़की ठीक है, देखो हाइट भी बिल्कुल मेरे बराबर ही है ना। हाँ हाँ रूपा, रिश्ते को हाँ कर दे, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता, हाँ कर दे। लेकिन न जाने क्यों एक परफेक्ट मैच भी रूपा को ठीक नहीं लग रहा था। अरे क्या सोच रही है रूपा जी, बहू से कुछ सवाल करना है तो पूछ लो। वो बेटी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी लंबाई थोड़ी ज्यादा है? वो तो भला हो मेरे लड़के का जो इतना लंबा है, वरना तो शादी होनी थोड़ी मुश्किल नहीं हो जाती? ओ नो, कैसी बात कर रही हैं आप, मुझे तो अब भी भगवान से शिकायत है कि मुझे थोड़ी हाइट और दे देता, क्योंकि मुझे लंबाई बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, वैसे जब अब सबको रिश्ता पसंद ही है तो मुझे भी पसंद है। रूपा परिवार के साथ रिश्ता पक्का करके घर आ जाती है, लेकिन मन में काफी परेशान रहती है। अरे क्या हुआ रूपा, जब से बेटे के लिए बहू फाइनल की है परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? हाँ, बस यही सोच रही थी कि बेटा लंबा, पति लंबा और बहू भी, मुझे जीवन में कभी हिस्स से छुटकारा मिलेगा ही नहीं क्या? अच्छा तो यह परेशानी है। अरे तो क्या हो गया, जैसे हम लोगों के लेवल को हिस्स से मेंटेन रखा है वैसे ही बहू के साथ भी रखना, क्या गलत है इसमें? हाँ, लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़ी अपनी लंबाई को लेकर घमंड में रहती है, देखा कैसी पटर पटर जबान चला रही थी। क्यों? अरे छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है, उसे लंबाई पसंद होगी तो क्या रही है, तुमने पूछा भी तो ऐसा ही सवाल था ना। तभी वहाँ बेटा आ जाता है। क्या हुआ माँ पापा, क्या बात हो रही है? अरे तेरी होने वाली बीवी के बारे में बात चल रही है, कैसे बोल रही थी मुझे तो लंबाई पसंद है। अरे इतनी तो लंबी है, और कितनी लंबाई पसंद है, और मुझे देखो मैं कितनी शॉर्ट हाइटेड हूँ, लेकिन मैंने तो कभी भगवान से इसके लिए शिकायत नहीं की। अरे करोगी भी क्यों माँ, हर समय हाई हिल्स में आपने सब कुछ मेंटेन जो रखा हुआ है। छोटी रूपा के बेटे की शादी लंबी सी नीलू से हो जाती है शादी के बाद। अरे अरे नीलू बहू, जब तुझे देखने आए थे तब तो तू इतनी लंबी नहीं लग रही थी, ये शादी के बाद अचानक क्या हो गया? अरे सासू माँ, हिल्स पहनी है ना मैंने, आपको तो पता है मुझे लंबा लगना कितना अच्छा लगता है। रूपा बेचारी अब अपनी हाई हिल्स के साथ भी बहू की बराबरी नहीं कर पा रही थी। एक बार वो बहू के साथ बाजार जा रही थी कि पड़ोसन, हाय रे बेचारी रूपा की किस्मत, मुझे तो तरस आता है कभी कभी, अरे पहले पति लंबा था तो हिल्स ना उतरी, फिर बेटा और अब तो बहू, वो तो माशाल्लाह। हाँ, ठिंगनी कहीं की। रूपा और बहू पड़ोसियों की बात सुन लेते हैं घर आकर। बहू तुम जब मेरे साथ जाती हो ना तब हिल्स मत पहना करो, मेरी हाइट कम है, ऊपर से तुम लंबी और उसके ऊपर से तुम्हारी हिल्स। अरे कैसी बात कर रही है माँ जी, मैं आपके लिए अपनी हिल्स क्यों उतारूं, ये मेरी चॉइस है, मुझे लंबा लगना पसंद है तो है। ये बोलकर बहू वहाँ से चली जाती है, लेकिन दोनों के बीच की बात सामने खड़ा रूपा का पति सुन रहा होता है। फिर अगले दिन, अरे मेरी सारी हिल्स कहाँ चली गई, मैंने सारी बाहर कर दी, आज से तुम हिल्स नहीं पहनोगी। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, हिल्स नहीं पहनूंगी तो क्या करूंगी,
इस घर में गुजारा कैसे होगा मेरा, सब इतने लंबे लंबे। अरे ना बाबा ना, आप तो मेरी हिस्स मुझे वापस ला दो। देखो रूपा, घर में गुजारा तुम्हारी हिस्स के कारण नहीं, तुम्हारी सूझबूझ के कारण हो रहा है। अरे पर आज आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तभी वहाँ बेटा आ जाता है। हाँ माँ, पापा ठीक तो कह रहे हैं, मेरी पढ़ाई लिखाई से लेकर घर बनाने की जिम्मेदारी जिस लेवल में आपने पूरी की है, शायद उस लेवल तक कोई भी हिस्स पहनकर भी नहीं पहुँच सकता। ये इंसान की फितरत है रूपा, उसे जिस चीज से शर्म आती है वो चीज उसका उतना ही पीछा नहीं छोड़ती। जब हमारी शादी हुई, भले लोगों ने कहा हो कि लंबे लड़के को छोटी लड़की मिली, लेकिन क्या कभी मैंने तुमसे कुछ कहा? नहीं नहीं जी, आपने तो कभी कुछ नहीं कहा। फिर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, मैं या लोग? वैसे ही अगर बहू को ऊंचा लगना पसंद है और वो तुम्हारे लिए अपना शौक नहीं छोड़ रही है, तो तुम क्यों किसी के लिए लंबा दिखने की कोशिश कर रही हो? जैसी भी हो, मेरी हो और मुझे बहुत पसंद हो। रूपा को समझ में आ जाता है कि उसकी हिल्स पहनने की जरूरत अब खत्म हो चुकी है। एक बार वो बहू के साथ बाजार जा रही थी, वो भी बिना हिल्स के, वही पड़ोसी। अरे ये बहू को तो देखो, एक तो इतनी लंबी है ऊपर से हिल्स। अरे ऊंट लग रही है ऊंट, उस दिन तो सास के साथ चलती ठीक लग रही थी, आज तो जिराफ लग रही है। घर आकर बहू कहती है, माँ जी ये क्या मजाक है, आपने आज हिल्स क्यों नहीं पहनी? मेरे साथ चला करे तो हिल्स पहना करे, मैं कुछ ज्यादा ही लंबी लगती हूँ। वो बहू, मैं जैसी हूँ ना वैसे ही लोगों के सामने रहना चाहती हूँ, छोटी हाइट की हूँ तो लंबी लगने की कोशिश भी मैं क्यों करूँ, मुझे तो छोटा लगना अच्छा लगता है।